ग्लैमर की चकाचौंध में आजकल नौजवान अपने हुनर के चलते एक्टिंग की दुनिया में नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही उभरती हुई अभिनेत्री नेहा, जिन्होंने हाल ही में साक्षी मूवी की शूटिंग पूरी कर दिल्ली के रोहिणी में पहुंची। उनके साथ विशेष मुलाकात के दौरान जब बातचीत करी गई तो उन्होंने अपना अनुभव फिल्म की शूटिंग का शेयर किया और अपने गुरु निर्देशक और निर्माता राकेश तुली को ही अपनी कामयाबी का श्रेय बताया। आइए बातचीत में नेहा ने क्या कहा सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम नेहा है और मैं एक्टिंग लाइन में हूँ। एक्चुअली क्या, बचपन से शौक था एक्टिंग लाइन का, बट रास्ता नहीं था। फिर मैंने 12th पास आउट किया, जैसे कि घर से बाहर निकले, तो उसके बाद फिर मेरे को देखा, मेरे घर वालों ने भी देखा कि मुझे एक्टिंग लाइन में इतना इंटरेस्ट था, तो देन मॉम डैड ने भी सपोर्ट किया, फिर एक्टिंग मैंने सीखा। फिर उसके बाद सीखने के बाद फिर मेरे को देन साक्षी मूवी में मुझे काम मिला है। उसके बाद फिर राकेश जी के पास मैं जुड़ी हूँ, जिनके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मुझे चल छिछोरा मूवी, उसमें भी मिला है। वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए इस लाइन में। एंड मैंने फैशन शोज भी किए हैं, अभी मॉडलिंग लाइन में भी हूँ जिसमें मैं जीत कर आई हूँ। तो क्या आपने बचपन में भी कोई स्टेज शो वगैरह किया, कोई एक्टिंग करी थी आपने? स्कूल में मैंने पार्टिसिपेट तो बहुत किए हैं, जैसे डांसिंग हो गया, एक्टिविटीज तो करती रहती थी स्कूल में, जैसे एक्टिंग हो गया, इन सब चीजों में पार्टिसिपेट नॉर्मल लेती रहती। तो अभी आपकी लास्ट मूवी थी, उसमें आपने कौन सी एक्टिंग करी, क्या रोल आपका रहा, कहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी? जो मेरी अभी जो मूवी थी वो पूरी मूवी तो दिल्ली में शूट हुई है, लास्ट सीन उनका मुंबई में हुआ है शूट। मूवी का नाम साक्षी है, जिसमें मैं हीरोइन की बहन का रोल कर रही हूँ। आप लोग भी इस मूवी को जरूर देखिएगा, ये 3-4 months लगेंगे इसको रिलीज होने में आफ्टर, उसमें आप मेरा किरदार देखना। एंड जो सेकंड मूवी उसके बाद आएगी चल छिछोर, उसमें भी आप जरूर देखिएगा। आप किस बड़े हीरोइन के हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे? मैं एक्चुअली क्या, जो भी इस लाइन में तो जो भी वर्क मिले, जो भी मेरे बड़े बड़े आर्टिस्ट मिले, मैं चाहूंगी सबके साथ वर्क करना। आपके सबसे जो है कि पसंदीदा हीरो कौन से हैं और हीरोइन कौन सी है? पसंदीदार हीरो सलमान खान एंड वरुण धवन। हीरोइन में उर्वशी रठोला भी बहुत अच्छी लगती है। अभी आप कौन सी मूवी की शूटिंग करने जा रहे हैं अभी हाल फिलहाल? अभी फिलहाल तो चल छिछोरा करती मूवी है, उसकी मैं शूटिंग करने जा रही हूँ, जो राकेश जी के थ्रू मुझे मिली है प्रोजेक्ट। उसमें आपका रोल क्या रहेगा, आप किस तरह की भूमिका अदा करेंगे? उसमें भूमिका मैं ये अदा कर रही हूँ कि एक लड़की है, वो छोटे छोटे ड्रेसेस डालती है, जिसके मतलब ईगो से चलती है, और लड़कों को यूँ दिखाती है कि लड़के मुझे छेड़ रहे हैं, गलती लड़की की है। हालांकि उसमें वो अपनी अदायगी खेल के सड़क पे चल रही होती है, तो उसमें ही दिखाया जा रहा है कि लड़की की गलती होती है, वही छोटी ड्रेस पहनती है, जिस वजह से समाज वो गलत नहीं है, ऐसे लोग उसे देखते हैं, बट लड़की फिर लड़कों को दिखाती कि नहीं तुम छेड़ रहे हो, ये कर रहे हो, तुम लड़की को देख के ऐसा कर रहे हो। कहीं ना कहीं लड़के गलत नहीं होते हर जगह, लड़कियां भी गलत होती है, तो उस भूमिका में ही दिखाया जाएगा कि लड़की गलत है, लड़का गलत नहीं है। मेरी पसंदीदार मूवी, सारी मूवीज अच्छी लगती है, वैसे तो सलमान खान की मूवीज जो हम साथ साथ हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती है, पसंदीदार है। डांसिंग भी एक्टिंग के अलावा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी शो में आपने पार्टिसिपेट किया है डांस वगैरह में? एक्चुअली स्कूल में ज़्यादा मैंने डांस में ही पार्टिसिपेट किए हैं, बाकी अभी तो फिलहाल मौका मिला है नहीं, मौका जरूर मिलेगा तो जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में लोग जो है ना कि कोई पैसा कमाने आता है, कोई नाम कमाने आता है, कोई सोशल वर्क के लिए आता है, तो आपका क्या मोटो क्या है आपका इसमें आने का, क्या सोच के आप इसमें मतलब? एक्चुअली क्या, मैं पैसा कमाने के लिए सोच के नहीं आई इस इंडस्ट्री में, मैं एक्चुअली इस इंडस्ट्री में एंट्री इसलिए करना चाहती हूँ, मैं अपनी एक पहचान बनाऊँ, अपना एक नाम बनाऊँ, ताकि दुनिया भी मुझे जाने, मुझे पहचाने। पैसा तो बाद में भी कमाया जा सकता है, पहले नेम बनाऊँ। बाकी राकेश जी के थ्रू जुड़ी हूँ मैं, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, एंड फैमिली भी मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो बस उनका थैंक्स कहना चाहूँगी मैं।